तलाक उपरे आज ऐतिहासिक राय संभावना सुप्रीम कोर्ट का प्रधान विचारपति जस्टिस जेएस खेर के अध्यक्षता गठित सांविधानिक खंडपीठ ए मामलार शुणाणी कर सारी लगातार छह दिन माराथन शुणाणी पर मे 18 तारीख में राय संरक्षित रखिथिले सुप्रीम कोर्ट जहां आज प्रकाश पाइबार संभावना रही। मुस्लिम संप्रदायर तीन तलाक और बहु पत्नी ग्रहण मामला उपरे सुप्रीम कोर्ट में शुणाणी होई। विभिन्न संगठन और तलाक पाई महिला माने इसरत जहां कथा कहुई पे सैरा मानक कथा कहुई पे ए बाबद आवेदन करते परवर्त समय सुप्रीम कोर्ट ए मामला उपरे शुणाणी करते आज यार राय सामना को आसब बहुपत्नी ग्रहण मामलें हुए तो राय सामना को आसी नपे राय ए दि जा नपे किंतु तीन तलाक नहीं इस्लाम रे कौन आधार रही प्रकृत में मुस्लिम संप्रदायर अधिकार अच्छी कि नाई ता मुख्यतः शुणाणी करते सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने प्रधान विचारपति जस्टिस जस्टिस कुरियन जोसेफ आरएफ नरिमन यूयू ललित एस अब्दुल नाजीर प्रमुख रही तीन तलाक असंवैधानिक कही विभिन्न मुस्लिम संगठन आगत करोग को सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करते जहां अन्य धर्म सह तुलना कर सांविधानिक खंडपीठ ए सब दिग को तर्जमा कर आज यार राय सार्वजनीन कर राय सामना को आसब पूर्वर जदि आम देखा जे प्रकृत में इस्लाम रे कौन रही इस्लाम रो आधार को लेकिन तीन तलाक दि जाऊन तलाक रही प्रथा प्रचलित ही आरान कथा यदि कह पवित्र कुरान ग्रंथ से ए बाबद कौन सी आधार ना एक मुस्लिम संप्रदायर लोक मैंने स्पष्ट कर सारी मुस्लिम पर्सनाल ल बोर्ड सिया जहाँ कहुए से बाबद उल्लेख रही से बाबद तथ्य रखाई अन्य मुस्लिम राष्ट्र गुड़िकी देखा तीन तलाक प्रथा को उच्छेद कर दि जाए कि भारत में कहीं उच्छेद हम ना भारत में यह प्रथा कहीं रही आपको विभिन्न मुस्लिम संगठन महिला मैंने मुख्यतः महिला मैंने प्रतिवाद करते निजर न्याय दाबी बाबद सब्यस्त करने को सुप्रीम कोर्ट को द्वारा सही परवर्त समय सुप्रीम कोर्ट आपरे शुणाणी करने आरंभ करते विभिन्न संप्रदाय क्षमा करेंगे मुस्लिम संप्रदायर विभिन्न संगठन ठार् ए बाबद अनेक किसी तथ्य से शुणी लगातार भाव छह दिन धरी सपक्षवादी विपक्षवादी उभयों ठार् खंडपीठ ए बाबद समस्त तथ्य शुणी समस्त प्रकार आधार को शुणी से सब् आधार को तर्जमा कर सारापर शुणाणी कर राय संरक्षित रही जहां आज प्रकाश होगा जा और कह दें कि भाई ये गलत है लेकिन जो जो मर्द ऐसा काम करेंगे और अगर ट्रिपल तलाक देंगे कभी भी उनका जब मन उनका चाहे तो ना सिर्फ वो ना जायज या गैर कानूनी समझा जाए बल्कि उनको सजा भी दी जाए ताकि वो आगे ऐसा मर्द ना करने की हिमाकत करें और दूसरी बात कुछ कॉम्पेंसेशन मुआवजा औरतों और उनके परिवारों को भी मिलना चाहिए क्योंकि वो कैसे अपने गुजर बसर करेंगी जब उनको सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। तो वक्त बदल गया है शाहबानो से लेकर शायराबानो तक पूरा जमाना बदल गया है। अब ढेर सारी शायराबानो खड़ी हो गई हैं बेचारी एक मजलूम परेशान हाल शाहबानो जो सिर्फ 77 साल की उस वक्त थी जब तक ये फैसला आया और जब राजीव गांधी ने इतना बड़ा और कांग्रेस सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया और पूरे की पूरी कम्युनिटी को मुसलमान समुदाय को अंधकार में झोंक दिया सिर्फ इसलिए कि चंद वोट मिल जाएंगे। लेकिन अब वो वक्त बदल गया है वोट बैंक राजनीति से हमें परे उठना है अपनी मुसलमान साथियों बहनों के लिए हमें बोलना है तो सब टकटकी लगा के इस वक्त देख रही हैं कि क्या फैसला होगा। विभिन्न स्तर आपको लेकिन प्रतिक्रिया रही वर्तमान पर्यंत यदि देखा जो मैंने ट्रिपल तलाक उच्छेद विरोध में जो मैंने निजर मत उपस्थापन करते से मत था सीरियात जो पर्सनाल ल बोर्ड मुस्लिम पर्सनाल ल बोर्ड रो नीति नियम रही तार सेक्शन दुई आधार रे जो भली भावे पिटिशनर से अधिकार सब्यस्त करने दावी करते जहांकि आर्टिकल 14 को विरोधाचरण करुक्ति उपस्थापन कर सुप्रीम कोर्ट परवर्त समय सुप्रीम कोर्ट का सांविधानिक खंडपीठ आपर तर्जमा कर निश्चित भाव और आज यार चूड़ा राय सार्वजनिक नवाकु जाउछि अर्थात कौन आउपरे सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति नौछंती ता सार्वजनिक नवाकु जाउछि संपर्क में अधिक आलोचना करने को जी मो सहित न्यूज रूम जोड़ी होती मिहिर आचार्य मिहिर ये पूरा प्रसंग को जब तर्जमा करवा प्रकृत में ट्रिपल तलाक एभली एक आधार मुस्लिम संप्रदाय कौठ आसला मिहिर मत शुणी पार्टी आप हाँ हाँ
हाँ मिहिर, मुस्लिम संप्रदाय रे ट्रिपल तलाक ये आधार जहाँ को विभिन्न संगठन विरोध कर जगह देखा विभिन्न प्रकार जुक्ति उपस्थापन करा प्रकृत आधार टी कौ आसा देखंतु विभिन्न संगठन तो यहाँ विरोध करुछन्ति विशेषकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ लेकर तार पक्ष रखी सुप्रीम कोर्ट रे तार पक्ष रखी एसत यार वकिल रही कपिल सिब्बल वकिल रही सहित सलमान खुर्शीद रखी मत रखी मामलें सुप्रीम कोर्ट रे गत मे मस माराथन शुणी होता है माराथन शुणी छह दिन धरी माराथन शुणी मे 11 तारीख रू मे 18 तारीख पर्यंत शुणी होता पांच जन सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति जेस खेर अध्यक्षत पांच जन खंडपीठ यार शुणी करते यहाँ राय संरक्षित रही आज तर्जमा करवा प्रकृत सुप्रीम कोर्ट को आधार को लेकिन वर्तमान यही ट्रिपल तलाक को देखुवे ट्रिपल तलाक से आधार गुड़िक कौन प्रकृत जोटा कहुए शरीफ कुरान जहाँ को गोटे पवित्र ग्रंथ भाव बेचना कर मुस्लिम संप्रदाय प्रकृत में कुरान एक कौच ना मुस्लिम लॉ बोर्ड एक कौच ये गोटे तर्जमार विषय सुप्रीम कोर्ट आपको लेकिन तर्जमा कर जानवाक चेस्टा कर प्रकृत में कौ आधार में ट्रिपल तलाक वर्तमान पर्यंत प्रचलित होती जोटी अन्य मुस्लिम राष्ट्र गुड़िक कौन आधार ना बिल्कुल एक कथा को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तार मत रखी 1400 वर्ष पर धरिक परंपरा रही आसी मुसलमान मान सहित मुसलमान जीवन धारण अधिकार जो रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से व्यक्ति धर्म परंपरा ग्रहण करिबार जो अधिकार रही सही अधिकार आधार रे ट्रिपल तलाक से सहित वैध रहा उचित मुस्लिम पर्सनल टिके अटकाउछि कटक रु आम सहित मोहम्मद मुसफ आलम मोहम्मद क्षमा करिबे मोहम्मद नौशफ अलम आम सहित जोड़ी होती कटक रु मौलवी मौलवी साहब आपको स्वागत करता हूं ये पूरा यदि हमें तर्जमा करवा प्रकृत में पवित्र कुरान एमती किसी आधार तैयारी करुच कि ट्रिपल तलाक बाबद पवित्र कुरान किसी कहूँ कि देखिए इस सिलसिले में मैं तफसील से थोड़ा बता दू मैं जी नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم सबसे अच्छा कलाम किताबुल्लाह और सबसे अच्छी सीरत मोहम्मद صلى الله عليه وسلم की सीरत है। अब यह तलाक क्यों कब और कैसे, पहले निकाह के बारे में बता दूं मैं कि निकाह एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जिसकी वजह से जिसकी कोख से सारी दुनिया की सारे रिश्ते वजूद में आते हैं और इंसानी मुआशरा फवाहिश से महफूज होकर इफ़त नफ्स पाकिजगी नफ्स की फिजा से मामूर हो जाता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए नौजवानों के ग्रोह तुम में से जो निकाह करने की इस्तेआत रखे कि बीवी का महर और नफका अदा कर सके तो उसे चाहिए कि वो निकाह करे, इससे निगाह नीची और शर्मगाह महफूज हो जाती है। बुखारी मुस्लिम मिश्कात शरीफ की हदीस में ये सब मौजूद है। ताहम मियाँ बीवी के ताल्लुकात कभी इस कदर नाखुशगवार और तल्ख हो जाते हैं कि उस वक्त दोनों में तफरीक व जुदाई के सिवा और कोई मुनासिब राह नज़र नहीं आती, इसी तफरीक और जुदाई को अलग होने को तलाक कहते हैं। लेकिन मौलवी साहब क्या ये बताया गया है आपके आपके पाक जो बोलते हैं कुरान को बोलते हैं कि आप उसको आपका पवित्र ग्रंथ भी मानते हैं, तो इसमें क्या ये चीज बताया गया है कि जुदाई के लिए आपको ट्रिपल तलाक कर तीन बार तलाक बोलना पड़ेगा? आवाज क्लियर नहीं सर। मौलवी साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो ग्रंथ है आपके जो धर्म ग्रंथ है उस जिसके आधार पर आप ये चीज बोल रहे हैं जुदाई के लिए एक मियां बीबी के जुदाई के लिए क्या ट्रिपल तलाक जायज है, क्या ये चीज बताता है कुरान? देखिए मैं सबसे पहले इस सिलसिले में कहना चाहता हूं जी तलाक के सिलसिले में इस्लामी उसूल के चंद दफात कुरान हकीम सूरह बकरा आयत नंबर 29 में मौजूद है जी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता तलाक मरतान तलाक दो मरतबा है फ़इम साकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिहसान, या तो उसे आप भलाई के साथ रोक ले या अच्छाई के साथ उसे जाने दें। ओके और ऐसी ही बुखारी शरीफ के अंदर 7000 हदीसें मौजूद हैं जी, लेकिन कहीं भी
जिस तलाक का जिक्र आजकल चल रहा है जी, यानी तीन तलाक एक तलाक है जो लोग आज कह रहे हैं जी, ऐसा कहीं भी नहीं है जी। तीन तलाक तो ये बात एकदम स्पष्ट है मौलवी साहब कि आपके कुरान में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है, ऐसा कोई आपका आधार भी नहीं है कि ट्रिपल तलाक तीन तलाक बोलोगे तो आपके अंदर जो मियां बीबी के अंदर जो संपर्क है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह है, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चीज बनाया गया है जिसके आधार पे आपके संप्रदाय के बहुत सारे लोग ये चीज बता रहे हैं कि ये जायज है और बहुत दिन से चला आ रहा है तो इसको चलना चाहिए, कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है, लेकिन जो आपके महिला है जो आपके औरत लोग हैं वो लोग इसको जायज नहीं बता रहे हैं, वो इसके ऊपर जो उसका उन लोगों का जो प्रॉब्लम है जो उन लोगों का दिक्कत है वो सामने ला रहे हैं। आवाज आ ही नहीं रही है मौलवी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं शायद आपको थोड़ा तकलीफ होता होगा क्योंकि दूर में बैठे हैं आप तो शायद कुछ डिस्टर्बेंस रहता होगा, तो मैं और एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्या आशा रखते हैं, क्या आप मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है आपका कि आज सुप्रीम कोर्ट किस बारे में सुनाएंगे और क्या आने वाला है? देखिए, हम अपने अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो हमारे हक में होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगी इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर सारे कम्युनिटीज को, सारे मजहब के मानने वाले को इस्लाम ने एक फंडामेंटल राइट्स दिया है कि अपने अपने मजहब पर आजादी से अमल कर सकते हैं, तो उस फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला हमारे हक में लाएगी, हमें इस पे पूरा भरोसा है। तो आपके हक में आज फैसला आएगा ये पूरा भरोसा आप रखते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके साथ, इस बारे में और बातचीत होगी आगे, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। सहित मध्य प्रतिनिधि मोर सहयोगी मिहिर आचार्य मध्य उपस्थित अच्छा मिहिर, पूरा प्रसंग आप शुणुते मौलवी साहब जहां बयान करुते जहां तथ्य से उपस्थापन करुते, प्रकृति में कुरान जोटा कि पवित्र ग्रंथ से भली कौन सी आधार ना जे ट्रिपल तलाक रे विवाह विच्छेद दे जाई परिबो, मुस्लिम लॉ बोर्ड जोटा को सरियात कहा जाए सी लॉ बोर्ड रे एभली एक व्यवस्था करा जाई जहाँकि विवाह विच्छेद करिवार गोटे आधार बा गोटे जरिया हो जाए ट्रिपल तलाक, किंतु वर्तमान आपको जो चैलेंज करा जाए सुप्रीम कोर्ट आपको विभिन्न दिग्गर तर्जमा करुछंती निष्पत्ति आसीबो एवं ताहा साधारण जनता जो माने मुस्लिम संप्रदाय अछंती सेमानक सपक्ष रे आसीबो ए आशा विभिन्न संगठन रखुछंती। बिल्कुल जहां कहउछंती मौलवी साहब जहां कहउछंती जे कोनोसी आधार नाही, किंतु जो आवेदन आसीची कोर्ट रे जो आवेदन आसीची जो दुई महिला एवं गोटे संगठन करिछंती सेथिरे स्पष्ट भाबरे से माने कहिछंती जे व्हाट्सएप रे तलाक दे दिया जाउची बा फोन रे तलाक दे दिया जाउची अति सहज मात्र तीन थर तलाक शब्द उच्चारण कर देला माने विवाद विवाह विच्छेद घटी जाउची, तने ठीक जो संगठन बा जो महिला दुई जन करिछंती आवेदन करिछंती सेमानकर स्पष्ट युक्ति बा सेमानकर तपुर उक्त स्पष्ट युक्ति रखछन जे विवाह विच्छेद बा साधारण भाव में जमी भारतीय आईन व्यवस्था सहित रही कोर्ट रे हवा उचित जमी कौन मौलवी कौन धर्मीय संस्था बा धर्मीय गुरु माध्यम न हो, तेणु सीधा सड़क एठार मामला जो रही विवाह विच्छेद अति साधारण कथा न हो महिला मानक से अधिकार मिले। गुरुत्वपूर्ण कथा पूर्व प्रतिक्रिया शुणुले केवल विवाह विच्छेद ट्रिपल तलाक भितर सरी जाऊला, किंतु भरण पोषण कथ आसुला क्षतिपूरण दबार कथ आसुला अणदेखा कर गुरुत्व दिया जो। बिल्कुल महिला मानकर अधिकार कथा आसुची आ महिला मानकर जो केवल तो जो दुई तीन जन आवेदन करिसन सेमानकर कथा नुह, भारत रे रहुतबा प्राय 9 कोटी महिला मानकर मुस्लिम महिला मानकर कथा आसी बंग एथरे गोटे महिला मानकर संवेदनशीलता मध्य रहिची। ओके निश्चित भाव मिहिर मु परवर्ती समय आज कौन निष्पत्ति आसीबो सुप्रीम कोर्ट आउ किछि समय भितरे ए बाबत रे स्पष्टता सामना को आसीबो, ठीक 10:30 परे बाबत रे राय कौन रहिबो एवं निष्पत्ति कौन रहिबो सुप्रीम कोर्ट कर ताहा सार्वजनीन हबो अर्थात सामना को आसीजिबो, एवं ट्रिपल तलाक को प्रकृत रे किभली ग्रहण करुछथि आकु वैध करा जिवो ना संपूर्ण भाबे निषिद्ध करा जिवो ये दिगो उपरे मध्य तर्जमा करा जाउछि। आम सहित कटक रु लगातार भाबे जोडी कि रहिछंती मौलवी साहब मौलवी मोहम्मद नौशफ आलम। मौलवी साहब फिर से आपके पास लौट रहा हूं मैं, ये पूरा अगर हम इस प्रसंग के ऊपर बात करेंगे और आज जो राय आने वाला है आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम संगठन बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग ये लोग मानते हैं
कि तलाक होनी चाहिए लेकिन कोर्ट के कटघरे में बाहर नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं इस सिलसिले में कि तलाक नहीं होनी चाहिए, तलाक होनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग तलाक देते हैं अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अब गजुल हलाल अत्तलाक, यानी तमाम हलाल चीजों में सबसे अल्लाह के नबी नापसंदीदा चीज वो तलाक है। तो तलाक होनी ही नहीं चाहिए जी। तलाक तब होती है जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात बिल्कुल ना गुरेज हालत में पहुंच जाते हैं कि अब आपसी ताल्लुकात या आपस में लोग एक साथ नहीं रह सकते दोनों, तो इसी तफरीक अलग हो जाने को, इसी जुदाई को तलाक कहते हैं जी। ये तो जाहिर सी बात है कि आप एक पाक इरादा सामने ला रहे हैं कि तलाक होनी ही नहीं चाहिए, सब में संबंध अच्छे रहना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे रहना चाहिए, लेकिन कहीं पे अगर ताल्लुकात बिगड़ रहा है, कहीं पे अगर ताल्लुकात ऐसा नहीं हो रहा है कि साथ में रह सके, तो वो लोग व्हाट्सएप में भी तलाक कर दे रहे हैं, मैसेज में भी तलाक कर दे, कहीं बाहर में भी तलाक कर दे, ये चीज होना नहीं चाहिए। हाँ, इन चीजों से असल हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अवेयरनेस लोगों तक, तलाक है क्या चीज, तलाक कैसे देनी चाहिए, तलाक किन किन सूरतों में तलाक देनी चाहिए, ये चीजें हमारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं हो सकी है जी। इससे अवेयरनेस की जरूरत है। अभी अगर मोदी सरकार इस सिलसिले में अगर गंभीरता से सोच रही है तो अवेयरनेस फैलाए वो लोगों में, लेकिन इसके बजाय मोदी सरकार सिर्फ अपने मुद्दों से हट करके इन मुद्दों पर आती है जिससे मुसलमानों के दरमियान बेचैनी पैदा हो जी। तो क्या आप सोच रहे हैं इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, मुसलमानों के हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल आप देखें तो मोदी सरकार चूंकि जो वादा उसने इलेक्शन से पहले किया वो सारे वादों पे फेल नजर आ रही है, सारे वादों पे फेल होने की वजह से मोदी सरकार मुसलमानों के मुद्दे को ला करके लोगों के सामने रख देती है। और ऐसे लोग हैं कि जो वाहवाही लूट रहे हैं इसके बाद। लेकिन मौलवी साहब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि नहीं, मौलवी साहब कहीं ना कहीं आप ये मानते कि नहीं कि इस चीज को लेके, ये ट्रिपल तलाक को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा थी। सहरा बानू के इशू में आप ले लीजिए और ये जितने सारे महिला संगठन सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में उन लोगों ने अप्लाई भी कर चुके हैं, तो इस बारे में कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसी वजह से ये लोग सामने आ रहे हैं जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं अगर राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, आज से पहले कोई राजनीतिक दल इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था, लेकिन अगर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं आपके संप्रदाय के अंदर जिस टाइप के तकलीफ था, जिस टाइप के दिक्कत थे, वो लोग सामने आने के बाद इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं चीज बता रहा हूं उसमें सिलसिले में कि अभी देखिए आप रेशियो देख लीजिए, मुसलमानों के यहाँ 22% तलाक होती है, 22% लोग तलाक देते हैं जी। और दूसरे अदर कम्युनिटी के अंदर हिंदुओं के यहाँ या हमारी हिंदू बहनें जो आज सफर हो रही तलाक से, उनके यहाँ ये जाके पहुंचता 62% पे जी। तो पहले मोदी सरकार को चाहिए या कोर्ट को चाहिए कि उसको हल करे कि हमारी जो हिंदू माँ बहनें आज को तलाक की वजह से या बगैर तलाक बगैर दिए जो छोड़ दिए जाते हैं, उस मुद्दे पे या उस पे जो सफर हो रही हैं उनके बारे में सोचे, उसके बाद जो कम 22% मुसलमानों के दरमियान जो तलाक है फिर इस पे सोचे। लेकिन हो क्या रहा है कि उस पे नहीं सोच करके आज सिर्फ मुसलमानों के नहीं एक चीज को उठाने नहीं, मौलवी साहब मुसलमान और हिंदू की फर्क क्या नहीं है, फर्क क्या है जायज और नाजायज की, नाजायज की तरीके में कोई तलाक हो रहा है क्या, क्या व्हाट्सएप में मैसेज में और कहीं बाहर जाके तलाक हो रहा है, उनको कंपेंसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जायज बात होनी चाहिए और जायज तरीके से तलाक होनी चाहिए, ये है मुद्दा। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इस सिलसिले में पूरी बात मुकम्मल कर दूं जी। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। फिर कुरान पाक में जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन इस्लाम ये यही दीन है और दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, ना इसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो फैसला वो देना चाहे दे सकती है, ठीक है, लेकिन जो मुसलमान है वो कुरान और हदीस से बढ़कर उसके नजदीक और कोई फैसला वो मानने के लिए तैयार नहीं। एकदम एकदम हमारा तो मामला ऐसा है
ये कुरानो हदीस नहीं सकते और एक इंच घट नहीं सकते, उसी को मुसलमान कहते हैं एकदम। लेकिन आप तो ये चीज भी बता रहे हैं कि कुरान में ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ट्रिपल तलाक की कंसेप्ट ही नहीं है कुरान में। जो भी ये कंसेप्ट आ रहा है सीरिया लॉ के अंदर आ रहा है और ट्रिपल तलाक की बात जो बन रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बताया जा रहा है, तो इस चीज को आप कैसे मानेंगे? नहीं, ये चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसको ऐसे बता दूं कि ट्रिपल तलाक कुरान में भी है और हदीस में भी है, इसको समझने का फेर है जी। जितना आप पढ़ेंगे अगर बिल्कुल सरसरी नजर से देखते हैं, ऐसी बस किताब उठाया आपने देख लिया तो आपको समझ में नहीं आएगी। कुरान शरीफ उठाइए और कुरान शरीफ फइन तल्लकहा फला तहिलु लहु, कि अगर आपने तलाक दिया तो आपके लिए बीवी हलाल नहीं, यानी बीवी आपकी वो नहीं रह गई, आपके तलाक पे निकाह से बाहर हो गई, वो आपकी बीवी नहीं है, आपके निकाह से बाहर है। तो ये समझ में आता है कि फइन तल्लकहा ए तलाकन सुलासा, यानी अगर आपने बीवी को तीन तलाक दिया तो आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं रही, तो कुरान में तो मौजूद है okay. ऐसी हदीस में मौजूद है और इस्लाम का जो कोई भी okay. उसूल जो बनता है या कोई भी लॉ जो बनता है वो चार चीजों से बनता है जी। चार चीजें क्या क्या है? कुरान और हदीस दो हो गई, इजमाए उम्मत और कयास okay. ये चार चीजों से अगर कोई चीज साबित हो जाती है ठीक है, तो उसे मानना सारे मुसलमानों के लिए।